चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। कोरोना काल में देश सेवा में खुद को झोंकने वालों को भारत में कोरोना वॉरियर कहा गया है। देश सेवा में उनकी भागीदारी को देखते हुए ही भारत सरकार ने कोविड से निपटने के लिए कोविड वैक्सीन को सबसे पहले इन्हीं के पास पहुंचाने का फैसला किया। आज भी जब देश भर में बूस्टर डोज लगने हैं तो इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकी कोरोना वॉरियर्स की तरह भारतीय जवानों तक भी बूस्टर डोज पहुँचाने का काम जोरों से चल रहा है। फिर चाहे देश सेवा में समर्पित जवान रेगिस्तान में हो या फिर बर्फीले पहाड़ों पर, उनकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन को उन तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बर्फीली जगहों में तैनात जवानों को कोरोना संक्रमण से बचाना आवश्यक है और इसके लिए प्रयास भी जारी है। इसी क्रम में इन जाबाज सैनिकों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की खेप भेजने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए भारतीय सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। बता दें, इस समय दूर दराज इलाकों के लिए सरकार की ड्रोन पर निर्भरता को एक जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के मिशन संजीवनी के तहत ड्रोन के जरिए से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की कवायद शुरू की गई थी। इसके तहत स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी चीजों को सरकार द्वारा इन इलाकों तक पहुँचाया जा रहा है। भारतीय सेना भी ड्रोन का इस्तेमाल करके बर्फ से ढके क्षेत्रों में सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए कोविड 19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक की आपूर्ति करती दिखी। भारतीय सेना द्वारा साझा की गई इस वीडियो में एक पैकेज को गिरते हुए भी देखा जा सकता है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया था कि भारत में कोविड 19 टीकाकरण का आंकड़ा 175,33,00,000 को पार कर चुका है। 1,89,00,000 से अधिक एहतियाती खुराक स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को दी गई है। बता दें, समय बूस्टर डोज देश में लगाई जानी जरूरी हो चुकी है। पहले चरण का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ। वहीं कोविड 19 टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू किया जाएगा और 45 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और इसके बाद 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।